नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लिमिट टेक। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ऐप के बारे में जो कि बहुत कमाल का ऐप है जिसके द्वारा अपने सिम के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन है और उसका क्या यूज है आपकी लाइफ में, मतलब वो क्यों जरूरत है आपकी लाइफ में, तो ये बताएगा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ब्रेक के बाद। तो चलिए मेरे साथ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो दोस्तों सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहां पर टैप में लिखिएगा IREFF, तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा इंटरफेस। यहां पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के यहां पर IREFF ये ऐप है, इसका नाम है, जिसको 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है। इस ऐप की मैं बता देता हूँ रेटिंग 4.4 है और इस ऐप का साइज भी मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इस ऐप का साइज बहुत ही है कम, कुछ 8.69 MB का है ये। अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे फटाफट से। तो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट को दबाएंगे और इसके इंस्टॉल होने तक का अपन वेट करेंगे थोड़ा, और पलक झपकते ही इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है ये। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको, और यहाँ पर आपको बोल रहा होगा कि साइन इन करने के लिए और स्किप करने के लिए गेट स्टार्टेड, और ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा ऐप के बारे में कि आप क्या क्या ऐप में कर सकते हैं। साइन इन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने साइन इन बटन को दबाया। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही वेरीफाई करेगा मोबाइल को और एक कोड आएगा आपके मोबाइल पे। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोड नहीं आता है तो दोस्तों आपको कॉल करके बताया जाएगा कोड के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोड आ चुका है मेरा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा और कोड ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर मान लीजिए कोड नहीं आता आपके मोबाइल पे तो कॉल करके आप कोड ले सकते हैं। कोड आपको मिल जाएगा, कॉल पे कोड आएगा, तो आप उस कोड को नोट करके फिर डाल सकते हैं दोस्तों, फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने साइन इन कर लिया, अभी ये खुल जाएगा पलक झपकते। देखिए दोस्तों यहाँ पर खुल चुका है, ये एयरटेल की मेरी सिम है, इसमें दिल्ली NCR लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है, टॉप अप बता रहा है मेरे को। यहाँ पर मेरे को 2G रिचार्ज बता रहा है, यहाँ पर मेरे को 3G रिचार्ज बता रहा है, यहाँ पर मेरे को 4G रिचार्ज बता रहा है, यहाँ पर लोकल बता रहा है, STD बता रहा है, SMS बता रहा है, अदर ऑफर में बता रहा है कि अदर ऑफर में आपको रोमिंग चाहिए कि IG चाहिए कि FRC करना है कि अदर करना है। ये इतनी सारी जानकारी देता है ये ऐप पर्टिकुलर सिम की, जिस कंपनी की आपने सिम ली है उस कंपनी के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास कोई और दूसरी सिम है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास आइडिया है, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है, MTNL है, रिलायंस GSM है, रिलायंस 4G है, टाटा डोकोमो GSM है, टाटा डोकोमो CDMA है, ASL है, MTS है, टेलीनॉर है और T24 है, तो आप कोई भी सिम का ऑपरेटर को सिलेक्ट करके और आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे आइडिया सेलेक्ट करता हूँ। आइडिया सेलेक्ट करने के बाद सारे स्टेट दिख जाएंगे, जिस स्टेट में आइडिया होगा उस स्टेट का आपको दिखा देगा। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो यहाँ पर का अगर होगा आइडिया इसमें तो यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आइडिया है इसलिए दिख गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टेलीनॉर सिम का आपको दिखाता हूँ, क्योंकि टेलीनॉर बहुत कम है इंडिया में तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल टेलीनॉर को हम देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं है तो लिखा गया यहाँ पर नो रिचार्ज प्लान फाउंड फॉर दिस ऑपरेटर फॉर दिस सर्कल, मतलब इस सर्कल में कोई रिचार्ज फाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेलीनॉर की सर्विस ही नहीं है। अब इसके और फीचर्स बारे में रिवील कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3 टिकड़ी है, इसको हम 3 टिकड़ी बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। यहाँ पर ये पेज खुल जाता है इसको दबाने के बाद। इसको दबाने के बाद यहाँ साइन इन का नंबर दिया हुआ है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में कुछ कुछ है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है अर्न रिवॉर्ड्स। अर्न रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ये कुछ सर्विस करवाते हैं, उस सर्विस के तहत आपको पैसे मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने रिचार्ज करने के लिए। तो कुछ ज्यादा नहीं मिलते, थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको मिल जाती है, कुछ नोटिफिकेशन आती है पर्टिकुलर आपकी सिम की जो आप लगा रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एयरटेल की सिम लगा रखी है, तो एयरटेल नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो भी अपडेट्स होंगे एयरटेल के द्वारा इस पे। और एग्जाम्पल के तौर पर एक और चीज़ बता देता हूँ, माई रिचार्ज में आपको ले जाता हूँ। माई रिचार्ज में आपको बता देगा कब कब मैंने क्या क्या रिचार्ज करवाया, कितना रिचार्ज करवाया, कब कब क्या क्या करवाया रिचार्ज। तो मैंने सारे रिचार्ज करवाए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक देखिए, जैसे एक्सपायर रिचार्ज, मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं हमारे रिचार्ज में यहाँ बता रहे हैं अलग से, तो ऐसे सब बता देगा। और ये बाकी सारे रिचार्ज भी एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ कुछ नहीं भी हुए हैं तो इसलिए वो नहीं बता रहा है। जो हो चुका है फुली एक्सपायर्ड वो बता दिया एक्सपायर्ड, क्योंकि ये सारे रिचार्ज होते हैं 51 वाले 30 डेज के लिए, तो 30 डेज के बाद ही एक्सपायर होते हैं, तो यहाँ एक्सपायर 30 डेज के बाद ही आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ बैक जाना चाहूंगा। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं USD कोड में जाऊंगा। USD कोड में अपने को पता चल जाएगा सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में क्या होता है, टॉक टाइम बैलेंस, चेक बैलेंस, 3G बैलेंस, मोबाइल बैंकिंग और बहुत सारे अदर सर्विसेज मिल जाती हैं पर्टिकुलर सिम के द्वारा, ताकि आप उस सर्विसेज को यूज करके अपने मोबाइल के बारे में जानकारी जान सकेंगे, अपने सिम के बारे में जानकारी जान सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कस्टमर केयर के नंबर भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, तो आप कस्टमर केयर को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज मिल जाती है आपको सिम के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है हेल्प का बटन मिल जाता है, अबाउट का बटन मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको ऑफर भी मिल जाते हैं पर्टिकुलर मोबाइल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डील्स दिख रही होंगी, चैट एंड प्ले एंड ऑफर लिखा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर पेटीएम के द्वारा भी कुछ ऑफर दिए गए, यहाँ पर IRF के अंदर में भी कुछ ऑफर होते हैं, और यहाँ पर ये चल रहा हुआ ये स्टिकर्स टाइप का ये जो है बार बार मूव कर रहा है, इसमें भी कुछ ऑफर्स हैं। तो दोस्तों ये एक ऐप था जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल के द्वारा आप रिचार्ज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है करके, मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा आपको बना के बाद में। तो ये क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको करके आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, और पंजीबल रिचार्ज को आप शेयर भी कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मैं शेयर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर खुल जाएगी एक लिस्ट जिसके द्वारा आप शेयर कर सकते हैं जो भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चल पाएगा उस पर्टिकुलर रिचार्ज के बारे में कि उनको कौन सा रिचार्ज करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और ऑप्शन, एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है चैट एंड पे। चैट एंड प्ले क्या सर्विस है आपको बताता हूँ, क्लिक करेंगे इसको चैट एंड प्ले का, ये चैट एंड प्ले का क्लिक करने के बाद यहाँ मोर पे क्लिक करना होगा, जिससे कि कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखाएगा उस पर खुल जाएगा। ये चैट एंड प्ले का असिस्टेंट है आपका, और ये क्या करता है, अगर आपको जानना है ये सारे सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पर मूवी गॉसिप हो गया, प्रीपेड रिचार्ज हो गया, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज हो गया, हाउस होल्ड बिल्स हो गया, मूवी टिकट्स हो गई, और बाकी बुक करना है कैब्स वगैरह, बहुत सारे अदर फीचर्स सारे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चैट एंड प्ले करके। तो काफी अच्छा फीचर्स है इनके द्वारा। तो दोस्तों ये था एक ऐप IRF ऐप जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपको जाननी हो तो मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए पूरे एंड तक, क्योंकि इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स अभी अवेलेबल और है जिसको मैंने नहीं रिवील किया है। तो 2-4 दिन बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले जाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा और ऐप्स के बारे में। तो शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी ही लगी होगी, अब आपकी लाइफ में तो बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे सारे सिम के बारे में और सिम के डाटा के बारे में कि कितना रिचार्ज किया है, कब कब रिचार्ज किया है, सारे इन्फॉर्मेशन। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और मेरे चैनल पे अब रोज डेली अपडेट्स आएंगे, रोज मैं अपलोड करूंगा कुछ ना कुछ अपने चैनल पे, तो आप जरूर देखिएगा सारे वीडियोस को, ताकि आपको भी पता चल पाएगा डेली अपडेट्स के बारे में, डेली टेक्नोलॉजी न्यूज अपडेट्स के बारे में और बहुत सारे ऐप्स के बारे में। तो मेरे चैनल बने रहिए और लाइक करते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। बाय दोस्तों।